Good morning, lovely children. Today in grammar class we will do adverbs. In last video I told you to do your comprehension and personal letter in your BBC Compacta book. I hope that you have done that. And today we are going to start adverbs. This is your grammar part of Super Test Assignment 8. It is on page number 147, children, and in homework I told you to read out this. I hope you all have read this. So, what are adverbs? Adverbs tell us more about the verb. Now, what is verb? Verb is the action word. What is verb? The action words you use to do. Okay, for example, teaching, running, speaking, eating, drinking. So these are the words which are called verb. Whatever you used to do, जो भी आप काम करते हो, जो भी action आप करते हो, that is called verb. Okay? और जो adverb है, adverb हमें verb के बारे में और ज़्यादा explain करता है, हमें उसके बारे में और ज़्यादा बताता है. Okay? So here you can see an example is here. Adi eats dinner quickly. Okay, this is the sentence. In this sentence, this eats word is your verb and this quickly is your adverb. Okay, तो अब जो ये quickly word है, ये आपको किसके बारे में बता रहा है? Eat के लिए बता रहा है कि आदि खाना कैसे खा रहा है, आदि ने डिनर कैसे किया, उसने quickly किया, जल्दी किया, है ना? आदि ने अपना डिनर जल्दी किया. समझ में आया? Eat मतलब खाया, तो उसने अपना जो खाना है वो कैसे खाया? जल्दी जल्दी खाया. तो आपको यहाँ पे एडवर्ब ने बताया वर्ब के लिए. ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर. इस चैप्टर में हम लोग टू टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट इज एडवर्ब ऑफ मैनर? इट इज लाइक हाउ एन एक्शन इज डन. जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो हमें बताता है कि कोई जो एक्शन है वो कैसे हुआ. ओके, लाइक इफ आई एम टॉकिंग, टॉकिंग इज योर वर्ब, ठीक है? तो वो टॉकिंग कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है, लाउडली हो रहा है, या विस्परिंग हो रहा है? ओके, तो कि वो किस तरीके से बोला जा रहा है, स्लोली बोल रहे हो, लाउडली बोल रहे हो, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हो, तो दिस. ओके, कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी स्लोली, लाउडली, हैवीली. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दीज सेंटेंसेस. द मैन स्लेप्ट साउंडली. अब इसमें स्लेप्ट क्या है? आपका वर्ब है, और जो साउंडली है दिस इज योर एडवर्ब. तो आपको पता चला साउंडली से कि जो मैन है वो कैसे सोया? आराम से सोया, ठीक है? साउंडली मतलब अच्छी नींद आई उसको, ठीक है? द बेबी क्राइड लाउडली. अब जो बेबी है, क्राई किया, कैसे किया? लाउडली किया, बहुत जोर से, ठीक है? तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को बता रही है कि वो वर्ब कैसे हो रहा है, ठीक है? द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको किसके बारे में पता चल रहा है? ओल्ड मैन के बारे में पता चल रहा है कि द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली. कैसे चल रहे हैं वो? स्लोली. ओके, सो आई होप दिस एडवर्ब ऑफ मैनर इज क्लियर. ओके, नाउ कम्स एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ओके चिल्ड्रन, नाउ व्हाट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस? ये आपको बताता है वेयर और एट व्हाट प्लेस द एक्शन हैज बीन डन. ओके, कि जो एक्शन हो रहा है, जो आपकी वर्ब है वो किस प्लेस पे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ठीक है? दीज एडवर्ब्स टेल्स अस वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन. ओके, फॉर एग्जाम्पल इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर, अबव, एटसेट्रा, ठीक है? नाउ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू. वेयर आई एम टीचिंग? आई एम टीचिंग इन द स्कूल, इन द स्कूल. ओके, लाइक आई एम टीचिंग इनसाइड द क्लास, मैं क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ,
हमेशा बोलते हैं ना भगवान जी तो सब जगह पे है. ओके सो एवरीवेयर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. ब्रिंग दिस बास्केट हियर. ओके सो दिस हियर इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस. यू मस्ट प्ले इनसाइड इफ इट रेन्स. अगर बारिश होती है तो मम्मा बोलते हैं कि घर पे बाहर जाके नहीं खेलना है, आपको अंदर ही प्ले करना है. तो यू मस्ट प्ले इनसाइड, आपको अंदर खेलना है इफ इट रेन्स. अगर बारिश होती है तो आपको अंदर खेलना है. तो इनसाइड से आपको पता चला ना कि आपको कहाँ पे खेलना है, इनसाइड. अब बास्केट कहाँ पे लेके जानी है, हियर. ओके और या फिर मैं आपको बोलूंगी कि बेटा प्लीज कीप दिस बुक ऑन द टेबल, तो आपको पता चला ना कि बुक को आपको कहाँ पे रखना है, ऑन द टेबल. ओके सो I hope from these examples your adverb of place is also clear. Only these two forms of adverbs we have to learn in this chapter as this is your beginning. Okay children, so if you are having any doubt kindly ask, and the bookwork PDF I will send you. From that you can complete your work, and definitely you have to listen this video very nicely, very carefully, so that you will be able to understand the concept of adverb. Okay, children. So, take care. Thank you. Bye-bye.